जरा टाइम देखो, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी करो और मेहनत करो। कितने तुम कर सकते हो, हिम्मत करो। बस चुप हो जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। पिछली बार हम तुम्हारी वजह से ही दूसरी टीम को हरा पाए थे, याद है ना? बिल्कुल सही कहा, इस बार भी तुम्हें जीतना पड़ेगा कितरेचू, समझे? अगर मैं नहीं खेलूंगा तो टीम हार जाएगी क्या? फालतू बातें मत करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो कितरेचू। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम लोग कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी नहीं करोगे? वॉलंटियर एक्टिविटी की वजह से आज हम नहीं करेंगे। अरे क्या ये केक खाने की एक्टिविटी है? नहीं बूटा गोरीरा, ये केक खाने की एक्टिविटी नहीं है। मुझे पता है, इस एक्टिविटी में बूढ़े लोगों की मदद करते हैं, क्यों है ना? हाँ, हम उनके साथ खाना बनाते हैं, सफाई करवाते हैं और बाहर जाकर बहुत सारे काम करते हैं। ओके जाओ, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करना है। जब तुम्हारी एज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम्हें भी मदद की जरूरत होगी। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा है बूटा गोरीरा। फालतू की बातें करना बंद करो, मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे कितरेचू कहाँ गया? अरे मैं घर पर ही प्रैक्टिस कर लूंगा। हम मियोको से बात कर रहे थे और कितरेचू भाग गया। कितरेचू दरअसल प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ से भाग गया। सही कहा चोंगारी, हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ मियोको। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। आज हम किसके घर जाने वाले हैं? आज हम लोग मिस्टर मिकी योजी के घर जाएंगे, जल्दी चलो। तुम्हें याद है ना चोंगारी की प्रैक्टिस करने की बारी तुम्हारी है। मिस्टर मिकी योजी, आप कहाँ हैं? लगता है घर पर कोई नहीं, कोई है? हो सकता है वो पीछे वाले गार्डन में हो, चलो। चले चले। कोई है यहाँ? सुनिए। कोई है? सुनिए, आप कहाँ हैं? लगता है ये दरवाजा तो लॉक्ड है। क्या वो पहले से जानते थे कि आज हम यहाँ आने वाले हैं? शायद वो किसी जरूरी काम से गए हैं। मैं इंतजार करती हूँ। हाँ तुमने सही कहा, मैं भी इंतजार करती हूँ। मैं भी। बहुत बढ़िया, यहाँ गार्डन में तो बहुत सारी घास उगी हुई है। वो बिजी होंगे ना? क्या वो काफी बिजी हैं? वो कुछ बना रहे होंगे। हाँ शायद, हो सकता है। हाँ लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है। अच्छा तुम्हें तो कुछ पता होगा ना मियोको? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं नहीं, तुम तो कुछ छुपा रही हो। हमें जल्दी बताओ ना मियोको। हाँ मियोको, हमें बताओ ना। अरे वो आ गए। अरे बच्चों, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ हम अभी आए हैं। दरअसल मैं सुबह से ही आज लाइब्रेरी गया हुआ था। आप वहाँ क्या पढ़ रहे थे? मैं वहाँ पर एशिया नंबर का मामला सुलझाने गया था। तो क्या आप सुलझा पाए, बताओ? नहीं, इस मामले के ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं। एशिया नंबर क्या चीज है? दरअसल ये पुराने जमाने की स्पेशल ट्रेन है जो मंचूरिया से चलती थी। हाँ? इसका मतलब अंकल एशिया नंबर का मॉडल बना रहे होंगे। हाँ? अरे नहीं, हर बार बातें छुपाना जरूरी नहीं होता। वैसे बच्चों, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, जरूर अंकल। हाँ? ये तो बहुत बड़ी है। ये तो कमाल की है। यही है वो स्पेशल एक्सप्रेस एशिया नंबर। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ तुमने सही कहा, ये कमाल की है। पर क्या ये चल भी सकती है? अगर हम इसके अंदर चारकोल डालें तो ये चल सकती है। एक बार में इसके अंदर 10 बच्चे सफर कर सकते हैं, है ना अच्छी बात? हाँ है। सबसे पहले आपको इसमें चढ़ना पड़ता है इस तरह से, और उसके बाद ये बाकी ट्रेन की तरह चलती है। मैंने सुना है ये ट्रेन हमारे देश में नहीं चलती है। रेल रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से ये ट्रेन खास जगह पर चलती है। ऐसी ट्रेन सिर्फ बहुत बड़े शहरों में ही चल सकती है। ये ट्रेन मंचूरिया में चलती है। क्या तुम लोग मंचूरिया के बारे में कुछ भी जानते हो? वो चाइना का टोहोकू है। टोहोकू का क्या मतलब है? चाइना तो वैसे बहुत बड़ा देश है। दरअसल बात यह है कि उत्तरी चाइना में एक जगह है जिसे टोहोकू कहते हैं। सबसे पहले एशिया नंबर मंचूरिया में चला करती थी, फिर बाद में ये बाकी शहरों में फैल गई। शुरुआत में इस ट्रेन की क्षमता 100 किलोग्राम थी, लेकिन बाद में ये 800 किलोग्राम तक हो गई थी। ये तब दुनिया की नंबर एक ट्रेन थी बच्चों। अंकल क्या आपको कभी इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिला? मैंने एशिया नंबर को देखा जरूर है, लेकिन सफर नहीं कर पाया। जब मैं 6 साल का था और स्कूल में पढ़ रहा था, तब मैं अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन को देखने के लिए गया था।
क्या शानदार ट्रेन थी वो। मैंने उसके अंदर कॉफी हाउस, डाइनिंग हॉल और बेडरूम्स देखे थे। भैया, इस बार मैं ट्रेन देखने आया हूँ, लेकिन अगली बार इसमें सफर जरूर करूँगा। ठीक है, वापस आने पर हम दोनों इसमें एक साथ सफर करेंगे। हम खूब मजे करेंगे, आपके आने का मैं इंतजार करूँगा। क्या सिर्फ इसी वजह से आपने एशिया नंबर को बनाने का फैसला किया? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। मैं इसी वजह से ट्रेन बनाना चाहता हूँ। और भी ऐसे तमाम लोग होंगे जो इस ट्रेन में नहीं बैठे होंगे, वो भी इस ट्रेन में बैठना चाहते होंगे। मैं उन सब के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस एशिया नंबर को बनाने में कुछ उलझन है। वो यहाँ पर है, ये देखो। अरे, ये हिस्सा तो फटा हुआ है। दरअसल इसके फटे होने की वजह से कुछ चीज गायब हो गई, जो समझ में नहीं आ रही है। अंकल, क्या आपके पास इसकी और कॉपी नहीं है? नहीं, मेरे पास बस यही है। और इसको भी मैंने बहुत ही मेहनत से मंचूरिया के पास से ढूंढा है। इससे एशिया नंबर ट्रेन बन सकती थी। तो अब ये कैसे ठीक होगा? शायद मिस्टर बेंजो। मिस्टर बेंजो? हाँ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। वो बहुत ही काबिल इंसान है। पर हमारे सफाई के काम का क्या होगा, बताओ? वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी ये काम करना जरूरी है। ठीक से चलो चौंगारी। चलो दोस्तों, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो चले। अरे, ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? लगता है वो लोग अपनी एक्टिविटी में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। क्या क्या स्पेशल एक्सप्रेस एशिया नंबर का प्लान? प्लीज हमारी मदद कीजिए मिस्टर बेंजो। हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। एशिया नंबर के इंजीनियर्स के पास वो प्लान जरूर होगा, लेकिन मेरी समझ से उनसे वो प्लान लेना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, हम लोग चाइना की रेल रोड अथॉरिटी से बहुत मदद ले सकते हैं। एशिया नंबर पुराने जमाने में मंचूरिया से चला करती थी, क्या वो आजकल भी चलती है? हाँ, जानती हो, वो आज भी वहाँ चलती है। क्या सच में? लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि वो ट्रेन आज भी शिंकियो से टायरेंट के रास्ते पर जरूर चलती होगी। क्या हमें एशिया नंबर के बारे में जानने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा? लेकिन वहाँ पहुँचने में तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना? अगर ऐसी बात है तो हमें कितरेत्सु की मदद लेनी होगी। क्या, कितरेत्सु की मदद? हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं समझता हूँ कि तुम टाइम मशीन की मदद से मंचूरिया जा सकते हो। क्या ऐसा है? तो फिर चलो। लेकिन कैसे? चिंता मत करो, वो तुम्हें मियो को बाद में समझा देगी। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बाकी की प्रैक्टिस कल कर लूँगा। बूटा गुरा, वो लोग आ रहे हैं टोंगारी, चलो जल्दी से छिप जाते हैं। कितरेत्सु! अरे, वो लोग तो कितरेत्सु के घर जा रहे हैं। अजीब बात है, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है टोंगारी। लेकिन क्या? चलो चलकर पता लगाते हैं टोंगारी। चुपचाप इस तरफ से आओ। ठीक है। वेलकम वेलकम। कितरेत्सु घर पर है? वो अपने रूम में ही है, हमें उसे मिलना है। अरे, ये तो बताओ कि बात क्या है? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अरे, हमें इस काम में कितरेत्सु की मदद लेनी ही होगी, है ना? हाँ। लगता है इन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे भी उनकी मदद करनी ही होगी। हेलो कोरोसुके। हाँ, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मियोको और उसकी फ्रेंड्स आई थी, क्यों, है ना? हाँ। हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं कोरोसुके, अगर तुम्हें कोई काम हो तो खुशी खुशी हमें बता सकते हो। शुक्रिया, पर मैं खुद काम कर सकता हूँ। क्या तुम लोग अभी एंशियंट चाइना में जाना चाहते हो? हाँ, मिस्टर मिकी ओजी अपने प्रोजेक्ट एशिया नंबर को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं काफी बिजी हूँ। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मदद नहीं करना चाहते? प्लीज मदद कर दो। वो दरअसल मैं आजकल काफी बिजी हूँ, इसीलिए आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। तुम बहुत ही बुरे हो। हा? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कितरेत्सु? तुम एक बूढ़े आदमी की मदद नहीं करना चाहते, तुम्हें मदद करनी चाहिए। तुम कितने अच्छे हो बूढ़ा बुढ़िया। कोरोसुके, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए और अभी चाइना चलना चाहिए, समझ गए? कोरोसुके ने बिल्कुल सही कहा, अब तो तुम्हें उनकी मदद करनी ही पड़ेगी कितरेत्सु। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोगों के कहते ही हम चल पड़े, क्योंकि मशीन बनानी होगी। हम भी मशीन बनवाने में तुम्हारी मदद करेंगे कितरेत्सु। प्लीज कितरेत्सु, काम जल्दी शुरू करो ना, क्या हम कल सुबह यहाँ से जा सकते हैं? मदद कर दो ना। मुझ पर इतना जोर मत डालो कितरेत्सु, हम सभी एशिया नंबर ट्रेन देखना चाहते हैं, तो प्लीज हाँ कर दो, हम लोग वहाँ पर खूब मजे करेंगे। तुम हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करो, अगर तुमने मना कर दिया तो सोच लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितरेत्सु मुझे कभी भी मना नहीं कर सकता है। मुझे भी। हम भी साथ चलेंगे। ठीक है ठीक है, हम लोग कल सुबह 8 बजे निकलेंगे, अब तो तुम सब लोग खुश हो ना। ठीक है, मजा आ गया।
आखिरकार हम चाइना जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया बूटा गोरीरा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं मियोको। हमारे जाने का तो पक्का हो चुका है, क्यों ना हम मिस्टर मिकियोजी को बता दें? तुमने सही कहा, चलो उन्हें बताते हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। गर्ल्स तो काफी एक्साइटेड लग रही हैं। गुड मॉर्निंग कित्रेत्सु। गुड मॉर्निंग। तुम सब लोग चलोगे? अरे इतना घबराओ मत, हम तो सिर्फ तुम्हें बाय बाय कहने आए हैं। यही है मिस्टर मिकियोजी। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कित्रेत्सु। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपकी मदद करने का मौका मिल रहा है। कित्रेत्सु बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए चलूंगी। और मेरे बिना तो कित्रेत्सु जा ही नहीं सकता। और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बहुत मजा आएगा। मैं भी कित्रेत्सु। ठीक है तुम सब भी साथ चलो, मैं लकी हूँ जो मेरे तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। आइए सर, पहले आप बैठिए। तो फिर चलिए अंकल, चलते हैं। हमारे ये दोस्त कितने अच्छे हैं ना। सही कहा। सर अब आपको बताना होगा कि हमें कब और कहाँ जाना है। हाँ, जगह है शिंकियो, टाइम है 8 बजे और डेट है 20/8/1926। ठीक है, चलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो फिर चलते हैं। ख्याल रखना, यहाँ का काम हम कर लेंगे। तो ठीक है, बाय, हम जा रहे हैं। बाय, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। सर एक बात बताइए, जिस समय और जगह पर हम जा रहे हैं, क्या हम आपसे वहाँ पर मिल पाएंगे? नहीं, नहीं मिल सकते, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। लेकिन आप हॉस्पिटल में क्यों थे? मुझे बुखार था। आज हम आपके प्रोजेक्ट की बदौलत एशिया नंबर ट्रेन में सफर कर पाएंगे। थैंक यू सर। इसकी कोई जरूरत नहीं। खैर, मंचूरिया बस आने ही वाला है, अब हम लोग मंजिल पर पहुंच गए हैं। अरे हाँ, ये तो शिंकी ही है। सर बताइए स्टेशन कहाँ पर है? उत्तरी दिशा में, वहाँ देखो वो बिल्डिंग एशिया नंबर की है। क्या एशिया नंबर अब तक नहीं आई है? चलो दूसरी तरफ चलकर देखते हैं। अरे यहाँ तो काफी भीड़ है। हाँ बूटा गुरीरा, यहाँ तो भीड़ बहुत ज्यादा है। ये तो परेशानी की बात है, तुम्हें क्या लगता है कित्रेत्सु? शायद हम ट्रेन में नहीं जा पाएंगे। क्या हम एशिया ट्रेन से सफर नहीं कर पाएंगे? सुनिए। अरे आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनो भैया। अरे कितने तो देखो ना मिस्टर मिकियोजी कहाँ जा रहे हैं। एशिया नंबर क्या ट्रेन है? तो क्या मिस्टर मिकियोजी इस तरह की एक बड़ी ट्रेन बनाएंगे? मुझे जाने दो। देखिए ये गलत बात है, आप बिना टिकट के सफर नहीं कर सकते। मैं इसमें सफर करने नहीं बल्कि अपने भाई से मिलने आया हूँ। मिस्टर मिकियोजी, आखिर बात क्या है? क्या बात है सर, सब ठीक है? देखिए ये बिना टिकट के सफर करना चाहते थे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने बड़े भाई को देखा है। क्या बड़े भाई को? 49 साल पहले मैं और मेरा भाई एशिया नंबर में सफर करने वाले थे, लेकिन मेरे बीमार पड़ने की वजह से मैं एशिया नंबर में नहीं बैठ सका। अगर मैं अभी उनसे नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये उनकी फोटो है, देखो मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, उस वक्त वो फ्लाइंग प्रिपरेटरी कोर्स में ट्रेनी था। एक बात बताइए सर, क्या वो ट्रेन में बैठ चुके होंगे? हाँ वो अब तक ट्रेन में बैठ चुके होंगे। कित्रेत्सु, क्या हम टाइम मशीन की मदद से उन तक पहुँच सकते हैं? अरे हाँ बात तो सही है, तो चलो चले। चलो। मुझे उन पर शक है, जल्दी जाओ और गाड़ी लेकर आओ। बिल्कुल अभी लीजिए सर। अरे अरे वो रहे, वो वहाँ पर, उनके पास एक नई टेक्नोलॉजी है, ये लोग जरूर स्पाइस हैं। जल्दी से गाड़ी लाओ। जी। अरे वापस आओ, वापस आओ, वो लोग तो इस तरफ हैं। ठीक है सीधे चलो, सीधे चलते रहो। जी सर, पर सामने तो बिल्डिंग है सर। अरे तो बेवकूफ पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर। अरे जरा देख कर चलाओ। जी सर। लगता है एशिया नंबर काफी आगे निकल चुकी है। हाँ मुझे तो नजर भी नहीं आ रही। कित्रेत्सु मेरे ख्याल से तुम्हें स्पीड बढ़ानी चाहिए। ठीक है। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, तुम भी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो। ठीक है सर। वो देखो एशिया नंबर।
कितरेत्सु, क्या हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं? क्या? ताकि हम मिस्टर मिकी ओजी के बड़े भाई को देख सके। ठीक है। वो देखो, क्या वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। रुक जाओ जासूसों! आप ये क्या कह रहे हैं? हम जासूस नहीं हैं। हाँ, सही कहा। हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये लोग किसी भी कीमत पर भागने नहीं चाहिए। रुको, कोई गोली नहीं चलाएगा, हमें इन्हें जिंदा पकड़ना है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। ठीक है, बच के नहीं जा पाओगे। रुक जाओ। वो पीछे रह गए। वापस वहीं चलते हैं जहाँ इनके बड़े भाई बैठे थे। उन्हें पकड़ने की तैयारी करो। ठीक है सर। ये बचने नहीं चाहिए। फायर! अरे ये क्या, ये तो वापस आ गए। अब हम इनसे कैसे बच पाएंगे? अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, इस बार वो नहीं बच पाएंगे। मोटा गोरिल्ला, जल्दी से उसे बाहर निकालो। ठीक है। अरे ये क्या हो गया, लगता है रस्सी ट्रेन में फंस गई है, इसे ढीली करो। ठीक है सर। अब रस्सी को खींचो और जाल डालने की तैयारी करो। फायर! मुझे बचाने के लिए शुक्रिया चौंगारी। तुम बच कर नहीं जा सकते, जल्दी से इन्हें पकड़ो। अब हम सब लोग सेफ हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमने उन्हें चारों तरफ से खेल लिया है, अब वो नहीं बच सकते। फिर से मुसीबत आ गए। हम फिर से फंस गए। अब हम क्या करें कितरेत्सु? कितरेत्सु, देखो आगे प्लेन है। शुक्र है, हम लोग बार बार बच गए। मैं तो बहुत डर गया था। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, ये जरूर उनकी गर्लफ्रेंड ही होगी, वापस आने पर वो उसको प्रपोज करने वाले थे। आपके कहने का मतलब है वो अब नहीं रहे? हाँ, तुमने सही कहा, वो एयरक्राफ्ट फाइट में मारे गए। बाय। हम फिर मिलेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिछड़ते वक्त एक दूसरे से कहा था कि वो जल्दी ही आपस में मिलेंगे, लेकिन फिर वो दोबारा कभी नहीं मिल पाए। अरे, हमको जल्दी ही एशिया नंबर को ढूंढना होगा। आपने सही कहा सर, स्टेशन पर काफी एशिया नंबर्स मौजूद है, आप वहाँ जाकर जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। प्लीज जल्दी कीजिए। रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम सब गिरफ्तार किए जाते हो। देखिए सर, हम जासूस बिल्कुल नहीं है, हम तो फ्यूचर से एशिया नंबर को देखने आए हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, यकीन कीजिए। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, बहुत हो चुका, मेरे पीछे आओ, उन्हें गिरफ्तार कर लो। अंकल जल्दी करिए, चलिए। ये लोग यहाँ से भागकर नहीं जाने चाहिए। सर उधर देखिए, वो सब उस तरफ भाग रहे हैं। तो देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी पकड़ो उन्हें। रुक जाओ, जल्दी करो, इस तरफ से भागते हैं। अब इन्हें बच कर नहीं जाने दूंगा मैं। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। रुक जाओ, वरना मैं तुम सबको गोली से भून कर रख दूंगा।
अरे वो तो फिर से आ गए। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? चुपचाप नीचे आ जाओ। पर सर क्या आप इस बात को यकीन से कह सकते हैं कि ये सभी लोग स्पाइस हैं? हाँ सर ये तो बच्चे हैं। तुम सब के सब बेवकूफ हो। सॉरी सर। उस मशीन को देखकर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? चलो दोस्तों। ये लोग जासूस हैं। सर वो देखिए वो तो गायब हो गए। सच में गायब हो गए। कहाँ चले गए? अब हम क्या करेंगे? मिस्टर बेंजो ने मुझसे कहा था कि एक जगह पर एशिया नंबर हमें मिल जाएगी। उस जगह का नाम है सूचैन। तो चलो जल्दी की त्रेत्सु। ठीक है। अरे वो रहा एशिया नंबर का इंजन। आखिरकार हमें ट्रेन मिल गई। देखिए अगर आप सभी लोग ट्रेन के अंदर बैठना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा। अरे वाह अब मेरा सपना पूरा हो पाएगा। क्या बात है। हमने कर दिखाया। अब आप इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। शुक्रिया। कहीं आप मेरे बड़े भाई के दोस्त तो नहीं हैं? आप अकीका जी के छोटे भाई हैं? हाँ हाँ हाँ। जी मैं आपके भाई की दोस्त हूँ। मेरा नाम है रिन शुबी। लेकिन आप इंजन ड्राइवर? मेरी इस एशिया नंबर से और आपके भाई से काफी यादें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं इंजन ड्राइवर बन गई। मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। बहुत दिनों के बाद आज मेरे बचपन का सपना पूरा होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह इन बच्चों का भी एशिया नंबर में सफर करने का सपना अधूरा रह जाए। एशिया नंबर बना के आपने सभी बच्चों को खुश कर दिया है। सब कितने खुश हैं? मैं वही तो चाहता था। イグアナイカ遭遇。